नहीं ये है बबल। जानू क्या बात है, तुम कुछ टेंशन में लग रही हो। नबील मैं सोच रही हूँ। मुझे पता है जानू कि तुम क्या सोच रही हो। क्या? यही कि तुम इस बार पापा जी से कह के ना मेरी पॉकेट मनी बढ़ाने की कोशिश करोगी। शट अप नबील। नॉट ओके जानू। मैं महमूद साहब के बारे में सोच रही हूँ। तुम उनकी पॉकेट मनी बढ़वाने की सोच रही हो, ये चीटिंग है खूबसूरत। फजूल बातें मत करो नबील, तुमने नोट नहीं किया कुछ दिनों से महमूद साहब हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे, या तो अपने कमरे में होते हैं या लॉन में फोन पर लगे होते हैं। और यार को नया गेम इंस्टॉल कर लिया होगा, वो ही खेल रहे होंगे आजकल। मुझे तो लग रहा है नबील के महमूद साहब वाकई कोई नया गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे। ये मोमो को तो सिवाय खाने और सोने के कोई काम ही नहीं आता। चल यार महमूद, कोई रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाय ककेला अजनबी। आपको किससे बात करनी है? आप ही कर लें। बेगैरत बेशरम ठरकी मुठे, तुझे शर्म नहीं आती? ये तेरे नमाज रोजे के दिन है और तू रॉन्ग नंबर पे लड़कियां छेड़ रहा है। इसको कैसे पता चला कि मैं बुड्ढा हूँ? एक और ट्राई करता हूँ। हेलो जी अंकल, कौन? अंकल आप इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं? वो मैं अपने फोन का बैलेंस चेक कर रहा था। जब से आपने नया फोन लिया है ना, आप बड़े बिजी रहने लगे, हर वक्त फोन पे बात करते हैं। अच्छा यार मोमो, एक बात तो बताओ, मेरी आवाज क्या बुड्ढो जैसी है? वे आपका तो मुंह भी बुड्ढो जैसा है। और नहीं तो क्या? अरे अच्छा अच्छा सो जाओ, तुमसे तो बात करना भी फजूल है। ट्राई करता हूँ आवाज बदल के। हेलो, मैं मैजी बात कर रहा हूँ, आप उसे बात कर सकती है? सो गया हमसे। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता। माँ जी आपने उनका फोन चेक किया? फोन तो मैंने पहले ही चेक कर लिया था, उनका बड़ा प्यारा हल्का फुल्का फोन था। ओ माँ जी, आपने ये चेक नहीं किया कि वो छुप छुप के किससे फोन पे बातें करते हैं और SMS करते हैं? नहीं, क्यों? उस चलाक आदमी ने अपने फोन में वो लगाया हुआ है पुत्र। वो क्या? वही जो वर्ड होता है ना। कौन सा वर्ड? हाय मुझे वो वर्ड ही तो याद नहीं आता। पासवर्ड? हाय वही पास वाला वर्ड। इसका मतलब है कि कुछ खराबी है माँ जी उनके फोन में। नहीं, महमूद साहब की नियत में। हाँ वो जरूर किसी से बात करते हैं, वरना फोन पे पासवर्ड क्यों लगाते? मैं क्या करूँगी पुत्र? कुछ भी करें माँ जी, लेकिन महमूद साहब को फोन से दूर रखें। आप तो देख बच्चों, मैं क्या करती हूँ। क्या करेंगी आप? मैं उनका फोन ना पानी में डाल दूंगी। क्या? हाँ, फिर देखती हूँ कैसे फोन पे बात करते हैं। माँ जी मेरी बात तो सुने। करना फोन पे बात। अरे मोमो, ये तुम नाच क्यों रही हो? मैं खुशी में नाच रही हूँ। कैसी खुशी? इसलिए कि मैंने आपका फोन लैट्रिन की खुटी में बहा दिया है। क्या? अरे लेकिन मेरा फोन तो ये रहा। ओ माँ जी, ये आपने क्या किया यार, अपना ही फोन कमोड में डाल दिया। और पुत्र मुझे क्या पता था कि वो मेरा ही फोन है।
मैं तो मफलूज का फोन पानी में डालने गई थी। महमूद? हाँ, मैं महमूद को लैट्रीन में बहाने गई थी। तो माँ जी, आपको क्या जरूरत थी महमूद साहब का फोन फेंकने की यार? ओए, मैंने उनका नहीं, अपना फोन फेंका है। नबील, मैंने कहा था ना कि महमूद साहब का जरूर कोई चक्कर चल रहा है। क्या? हाँ, इसलिए तो माँ जी से बात नहीं करते, हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं। और यार माँ जी, लानत भेजे महमूद साहब पे, वो फोन पे ही चक्कर चला सकते हैं। इतना बड़ा मुंह है, किसी को दिखा नहीं सकते, इसलिए आप टेंशन ना लें। मैं क्यों ना लूं टेंशन, है वो मेरा मियाँ है। ओ माँ जी, आदत डाल ले, वैसे भी साल डेढ़ साल में उन्होंने कह हो ही जाने। ओ माँ जी, इस तरह ना करे, और ऐसे ना जिंदगी गुजारिएगा। मेरे पास एक नया मोबाइल पड़ा, मैं आपको ला देता हूँ। सिम भी ला देता हूँ। नहीं यार, जी आप इस तरह महमूद साहब को आजाद मत छोड़ें। ओए पुत्र, उनके साइज का पिंजरा कहाँ से लाऊं मैं? ओ माँ जी, उनकी तवज्जो अपनी तरफ कराएं। और कैसे कराऊं, इतनी हसीन तो हो गई हूँ अब मैं। माँ जी, जरा नजाकत नहीं है वैसे आप में औरतों वाली। हाँ माँ जी, खुद पे ध्यान दें, अपने अंदर नजाकत लाएं, प्यार से बात करना सीखें, थोड़ा स्टाइल के साथ, ताकि सामने वाले को भी आपसे बात करना अच्छा लगे। सामने वाला कौन? हमारा पड़ोसी? नहीं यार, महमूद साहब। अच्छा, हाँ बोले कम और मुस्कुराएं ज्यादा, फिर देखे महमूद साहब कैसे काबू में आते हैं। वशे। हाय, मुझे तो किसी का नंबर भी नहीं याद, मैं बात कैसे करूंगी लोगों से? क्या करूं, ऐसे घुमाती हूँ नंबर। बेल जा रही है। ये किसका फोन आ गया? अरे मैंने इतनी लड़कियों को रॉन्ग नंबर मिलाया है, हो सकता है उन्हीं में से किसी का फोन हो। सुनता हूँ। हेलो हेलो, कौन बोल रही है? हेलो, ये आपने फोन क्यों रख दिया था? क्या आपको मेरी आवाज पसंद नहीं आई? आपकी मुस्कुराहट तो बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल 16-17 साल की लड़की की तरह स्वीटी। माँ जी को क्या हो गया? नबील, मुझे तो लगता है माँ जी के दिमाग पे बहुत गहरा सदमा हुआ है। किस चीज का? महमूद साहब की बेवफाई का। यार ये किस किस्म का सदमा है जिसमें माँ जी ने नाचना शुरू कर दिया है? नबील, तुम्हें नहीं पता, माँ जी को शदीद शॉक लगा है जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठी है। क्या? मुझे तो माँ जी की हालत देख कर बहुत डर लग रहा है नबील, कहीं माँ जी कुछ करना बैठे। महमूद साहब, आप इतना कम क्यों बोलती है? क्या शर्माती है मुझसे? वैसे ना मुझे और फिजान शहजाद खान साहब को भी ना शर्मीली लड़कियां बहुत पसंद है। सुनो, मेरे ना बड़े भाई आ गए हैं, रात को बात करूंगा स्वीटी। ओके बाय। महमूद साहब, ये क्या घटिया हरकत है यार? क्या हो गया नबील? अरे मुझसे पूछ रहे, क्या हो गया? अपने आप से पूछे महमूद साहब। क्या हो गया महमूद? आप किसी लड़की, माफ कीजिएगा, आप किसी आंटी के साथ चक्कर चला रहे हैं? तुमसे मतलब? क्या मतलब? अरे तुम अपने काम से काम रखो नबील, ये मेरा जाती मामला है। महमूद साहब, आप शायद भूल गए हैं कि आप मेरी माँ के शौहर, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है महमूद साहब, मैं अपनी माँ के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगा। जुल्म?
अरे भाई कैसा जुल्म? अरे आप इस उम्र में हज की दरखास्त दे, आप अफेयर चला रहे हैं। तो क्या करूं मैं? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि हसीन और जमील लड़कियां मुझसे प्यार करें, मुझसे टेलीफोन पर बात करें, टाइम पास करें? क्या फोन पे मोहब्बत करना जुर्म है क्या? बोलो नबील, बोलो जवाब दो। बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? ओए क्या हो गया आपको? क्या हुआ है माँ जी? कैसी लग रही हूँ मैं? क्या ख्याल है आपका? माँ जी मैंने तो आपको महमूद साहब का दिल जीतने को कहा था, आपने तो मेरा दिल दहला दिया है। तो क्यों, ऐसा क्या हो गया है? यार इतना हैवी मेकअप। और तुझे क्या पता मासूम रुस्काना, जो 16 साल की लड़कियाँ होती है ना, वो ऐसी ओवर मेकअप करती है। व्हाट? ओह यस यस। हाँ मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी तो नहीं हूँ कि हल्का फुल्का मेकअप करूँ। माँ जी सनी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई है। इम्पोर्टेंट कॉल माँ जी? क्या कर रही थी स्वीटी? इंतजार। आए, अब मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। स्वीटी क्यों ना हम कल राणा रिजवान साहब के साले के होटल पर मिले? अरे घबराओ मत स्वीटी, वहाँ कोई नहीं होता, उसका साला हारून भी नहीं होता। सुनो रात को मुझे ना कंफर्म कर देना। ओके ओके। वैसे स्वीटी तुम्हारा रंग कैसा है? रंग? हाँ हाँ, गोरा है या सांवला है या कैसा है? ऑफ वाइट। अरे वाह। नबील ये सब ठीक नहीं हो रहा। हाँ जानू, महमूद साहब वाकई बहुत घटिया इंसान। क्या? हाँ मेरी माँ को धोखा दे रहे हैं। ये भी उम्र है कोई गैर औरतों से बात करने की? चलो मेरे जैसा जवान हसीन आदमी ये हरकत करे तो बनता है, लेकिन महमूद साहब? नबील महमूद साहब अकेले ये घटिया हरकत नहीं कर रहे। हाँ जानू जानता हूँ, लेकिन वो औरत भी तो यही घटिया हरकत कर रही है जो उनसे बात कर रही है। नहीं नबील, माँ जी भी किसी से छुप छुप कर फोन पे बातें करती है। खूबसूरत तुम होश में तो हो? हाँ मैं होश में हूँ। तुम मेरी माँ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो? मेरी माँ जैसी नेक औरत इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अरे वो औरत तो छुप छुप के अपने शौहर से बात नहीं करती, किसी और से क्या करेगी? नबील मैंने खुद माँ जी को किसी से फोन पर बातें करते हुए सुना है। क्या? हाँ तो ठीक है ना खूबसूरत, महमूद साहब भी तो माँ जी को धोखा दे रहे हैं ना, अगर वो उनके साथ वही कर रही है तो ठीक कर रही है। What? हाँ जानू, और वैसे भी मैं औरत और मर्द की बराबरी का खाए। नबील और दफा करो जानू, क्यों टेंशन दे के मेरी नींद खराब कर रही हो यार? माँ जी जाने महमूद साहब जाने, जब इन दोनों की तलाक होगी ना तब इनको समझ आ जाएगी। क्या? ओ यार मुझे सोने दो जानू, ट्रैजिक हो गया। ये तुम सो क्यों नहीं रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही है ना। आंखें बंद करके लेट जाओ, आ जाएगी। कौन? नींद। मैं तो, आप क्यों नहीं सो रहे? वो मुझे भी नींद नहीं आ रही। हाय मुझे याद आया। क्या? मेरा तो अभी तक ना खाना ही नहीं हजम हुआ, मुझे तो बाय टहलना था। हाँ तो जाओ ना वहाँ आराम से देर तक टहलना। हेलो स्वीटी, तुम सो तो नहीं रही थी? तुम्हारा सोच सोच के ना मुझे भी नींद नहीं आ रही। हाँ शर्माया मत करो ना, शर्मा रही हो ना तुम। अच्छा सुनो, कल हम जब मिलेंगे ना तो तुमने बिल्कुल नहीं शर्माना, दिल खोल कर बातें करेंगे। मैंने तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। आई लव यू। अच्छा सुनो मैं फोन रख रहा हूं, कल मिलते हैं।
इस वक्त तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? डेट पर मेरी जान, डेट पर। महमूद साहब ये क्या घटिया हरकत है? देखो नबील, इस वक्त मेरा मूड खराब करने की कोशिश मत करो है? आज मैं सारे मामला तय कर लूं, फिर जब मैं तुम्हारी माँ को तलाक दूंगा फिर जितना लड़ना हो लड़ लेना। शर्म आनी चाहिए महमूद साहब आपको। आ रही है मेरी जान, बहुत शर्म आ रही है। टाटा बाय बाय। ये महमूद साहब कपड़े बदलते ही जनाना जनाना क्यों हो गए? नबील महमूद साहब तो हाथ से गए भाई, अब माँ जी को संभालो। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन बाय बाय। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? पुत्र मैं जरा तेरे अब्बा से मिलने जा रही हूँ। माँ जी आप इस फूलिए में कब्रिस्तान जा रही हैं? मैं तेरे नए अब्बा से मिलने जा रही हूँ। ओके बाय। ओ जानू, ओ मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? नबील जिस तरह की एक घटिया सिचुएशन है, इस एपिसोड को तो ख्वाब नहीं होना चाहिए था। ओ फिजान के बच्चे तूने क्या बुरा आइडिया दिया है यार। नबील अब दुआ करो कि माँ जी और महमूद साहब किसी को अपने साथ घर ना ले आए। यस मैम, क्या लेंगी आप? पुत्र अगर आज वो मुझे पसंद आ गए ना तो मैं अपने मियाँ से तलाक लूंगी। जी तू इधर क्या कर रहा है? जाके किचन में कितने बर्तन पड़े, शाबाश जाओ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह, लगता है मेरी स्वीटी मेरा इंतजार कर रही है। हेलो स्वीटी, आई एम मैडी। Shit.